Hello kids, welcome to my channel C for Chiku. Kids, आज हम सीखेंगे और जानेंगे smallest number का concept, जो कि अगर kids को एक बार समझ में आ जाए तो वो इसे कभी नहीं भूलेंगे, जिसमें हमें smallest number सर्च करके यहाँ बॉक्स में लिखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट रो में हमें सर्च करना है स्मॉलेस्ट नंबर। आइए देखते हैं यहाँ कौन कौन सा नंबर है। 7, 6, 4, 5, 8, 2, 1, ठीक है, 1। तो 1 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। 1 को क्या करेंगे बच्चों, 1 को सर्कल करेंगे। उसके बाद तो हम 1 को इस बॉक्स में लिखते हैं। और पहले देखते हैं इस रो में कौन कौन से नंबर हैं बच्चों, मेरे साथ आप भी बोलना। 5, 3, 2, 9, 4, 7, 6। तो इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा क्या होता है, 2 है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। और 2 को क्या करेंगे किड्स, सर्कल करेंगे। अब 2 को कहाँ लिखेंगे, इस बॉक्स में लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट रो में चलते हैं। यहाँ 2 डिजिट की रो है, इसमें देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं। 19 है, 17, ये भी बड़ा है, 15, 14, 12, 11, ये भी बड़ा है, लेकिन 10 इससे पहले आएगा। तो 10 को क्या करेंगे किड्स, सर्कल करेंगे और इसे इस बॉक्स में लिखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट रो में चलते हैं और पहले नंबर को जानते हैं। इसमें 16, 15, 14, 13, 17, 19, 20। इस रो में 13 हमारा सबसे छोटा नंबर है। इस रो में तो 13 को हम सर्कल करेंगे और 13 को हम बॉक्स में भी लिखेंगे। अब लास्ट रो की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने 20-30 वाली काउंटिंग लिखी है। इस रो में देखते हैं क्या है, 26, 29, 23, 25, 28, 22, 27। 22 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो इस 22 को सर्कल करते हैं और क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ बॉक्स में लिखेंगे। तो आप ऐसे कुछ सीट तैयार करके बच्चों को करने को दें और बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो वे स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Thank you for watching this video. Don't forget like, share and subscribe my channel C for Chiku.